ABPS न्यूज़। दिन गुरुवार को भदोही जनपद के सुरियावा ब्लॉक सभागार में अखिल भारतीय प्रधान संगठन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव भूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल ने उपस्थित प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। अधिकारी जाँच के नाम पर प्रधानों का उत्पीड़न कर रहे हैं तथा प्रधानों का शोषण भी कर रहे हैं। प्रधानों को विकास कार्यों के लिए आए धन से मानदेय दिया जाता है, जिससे प्रधान अपनी ग्राम पंचायत में अपेक्षा अनुरूप विकास नहीं करा पाते। शत प्रतिशत उपस्थित प्रधानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्याय ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से प्रधानों को सम्मानजनक 30,000 रुपए वेतन और 10,000 रुपए पेंशन देने की व्यवस्था करने पर विचार विमर्श करने के लिए भी कहा, तथा साथ ही बताया कि यदि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने इस ओर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया तो अखिल भारतीय प्रधान संगठन प्रदेश के सभी प्रधानों के साथ विधानसभा का घेराव करने तथा धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। वहीं सुरियावा के सभी प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी प्रधान साथी एकजुट रहें, अतिशीघ्र लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को तथा वर्तमान भारत सरकार को यह संदेश दिया जाएगा कि अगर प्रधानों की मांग नहीं मानी जाती है तो होने वाले लोकसभा चुनाव में वह विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहें। बैठक में जिला अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र मिश्र, जिला उपाध्यक्ष श्री राम दुबे, अजीत यादव, पप्पी संजय दुबे, ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, संजय श्रीवास्तव, संतोष यादव, महेंद्र सरोज, सभाजीत गौतम, इसरावती, सुशीला देवी, शेर बहादुर सिंह, अमित उपाध्याय, पंकज मिश्रा, रंग बहादुर यादव सहित सत्य प्रसाद प्रधान बैठक में उपस्थित रहे। इनके जब जनता मंत्र पे आए तो वीरेंद्र सिंह जी ने हम लोगों को स्वस्थ किया था कि अगर हमारी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश बनती है तो प्रधानों को वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा और जो आप लोगों की मांगे हैं उसे नीति आयोग में हम लोग पास कराने का काम करेंगे। समय बीत रहा है, एक साल उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का बीत रहा है, हम इसलिए आए हैं आपको बीच में कि 19 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। विभिन्न पार्टियां आई है क्योंकि उस समय इस समय अखिलेश यादव ने 1,000 रुपए हम लोगों का मानदेय बढ़ाया था और 50,000 रुपए से 2,00,000 रुपए का अनुमित स्वीकृति का आदेश दिया था। हम इस मंच के माध्यम से उन्हें चंद जो हम प्रधानों की समस्या उन लोगों को सुनी थी उसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन शिकायत तब भी आज भी है कि चाहते तो हो जाता। हम लोग ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे थे कि जो उनके बस में नहीं था, लेकिन शायद उनकी समस्या रही होगी। क्या था समस्या वो खुद जानते होंगे, लेकिन हम प्रधान समस्या नहीं सुन पाए इसलिए हम लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर कर दिया। आज जो लोकसभा का चुनाव बीता हुआ है, इस लोकसभा चुनाव से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। इन्हें मालूम है कि अगर हमारे प्रधान भी बिगड़ जाएंगे तो इनकी सत्ता उखड़ सकती है। हम किसी पार्टी का विरोध करने नहीं आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सत्तासीन अधिकारियों से नेताओं से मैं अनुरोध करने आया हूं कि हम प्रधान जी लोग चाहते हैं कि मुझे 30,000 रुपया वेतन और 10,000 रुपया जब मैं वहां से हमारी विदाई हो जाए मैं जहां प्रधान ना रहूं तो मुझे पेंशन मिले। मैं यह मांग उनसे काफी महीने से सालों से करता रहा हूं। हम इनसे मांग कर रहे हैं कि हम प्रधानों को 73वां अधिकार दे दिए जाए जो पूर्व में हमको मिल जाना चाहिए। मुझे 29 विभाग हमें पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। जब हम यहाँ के लेखपाल का ट्रांसफर करेंगे, हम अपने टीचर का ट्रांसफर करेंगे तो निश्चित वट कर्मचारी जो अधीनस्थ मेरे गांव सभा में काम करता है हमारी बातों को सुनेगा। हमें जब तक अधिकार नहीं मिलेगा हमें कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार होगा।